नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, पालघर के बोईसर से एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां बोईसर में ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि मनसे के नेताओं द्वारा डॉक्टर शिंदे अस्पताल के मालिक डॉक्टर शिंदे के साथ मारपीट की गई और जानलेवा हमला डॉक्टर शिंदे के ऊपर किया गया। इतना ही नहीं, एक स्थानीय पत्रकार ने जब इस घटना की खबर चलाई गई, तब अपराधियों द्वारा उस पत्रकार को भी धमकाया गया। ये पूरी घटना जो है पालघर बोईसर की है, जहां के मनसे नेता पालघर ग्रामीण जिलाध्यक्ष समीर मोरे का नाम इस मामले में सामने आया है कि समीर मोरे की और डॉक्टर शिंदे की किसी बात को लेकर अनबन थी या पुराना कोई विवाद था। उस विवाद में समीर मोरे और उसके कुछ साथियों ने डॉक्टर के ऊपर अस्पताल के अंदर आकर हमला बोल दिया और उससे डॉक्टर की हालत गंभीर हो गई। यहां तक कि डॉक्टर को इलाज के लिए वापी हॉस्पिटल में रेफर किया गया है। मामला काफी इस पूरे मामले से क्षेत्र में काफी तनाव पैदा हो गया। इस पूरे गंभीर मामले की जानकारी पर पुलिस के आला अधिकारी मौका वारदात पर पहुंचे और पूरे मामले पर पुलिस अधिकारी नजर बनाए हुए हैं। इस मामले में अब सुनिए आगे डॉक्टर एसोसिएशन के सदस्यों का क्या कुछ कहना है। साथ ही साथ पुलिस अधीक्षक पालघर, उनका भी एक आधिकारिक बयान सामने आया है। एक घटनाक्रम हम आपको दिखा रहे हैं, घटना है पालघर के बोईसर की। इस पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी वीडियो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो देखिए ये घटना का चित्रण। या संदर्भात पॉलिटिशियन मध्ये 30/2023 प्रमाणे गुन्हा दाखल आहे, त्यामध्ये आयपीसीचे गंभीर स्वरूपाचे सेक्शन्स लावलेले आहेत। गुन्ह्यामध्ये जे नमूद केलेले आरोपी आहेत त्यापैकी 9 आरोपी, म्हणजे 10 पैकी 9 आरोपी आम्ही अटक केलेले आहेत। बहुतांश आरोपी सगळे अटक झालेले आहेत, त्यांना कायदेशीर कारवाईला सामोरं जावं लागत आहे। सध्या डॉक्टरांची प्रकृती स्थिर आहे, त्यांनाही डिस्चार्ज झालेला आहे वापी या ठिकाणाहून। पुढील तपास आमचे बोईसरचे प्रभारी अधिकारी श्री कसबे करत आहे। सर, स्थानिक डॉक्टर जे आपल्याला युनियनचे काही सदस्य भेटले, त्यांचं काय म्हणणं? या झालेल्या घटनेसंदर्भात त्यांना माहिती आवश्यक होती, त्याप्रमाणे आम्ही आमच्या स्तरावर कोणकोणती माहिती कोणकोणती कारवाई केलेली आहे या संदर्भातली संपूर्ण माहिती त्यांना दिलेली आहे। आणि त्यांनी समाधान व्यक्त केलेलं आहे की पोलिसांनी जी कारवाई केलेली आहे त्यामध्ये त्यांच्या अपेक्षेपेक्षा अधिकची कारवाई त्यांनी पोलिसांनी केलेली आहे। रात्रभरामध्ये आम्ही संपूर्ण आरोपींना अटक केलेली आहे आणि डॉक्टरांच्यामध्ये जे भीतीचं वातावरण आहे असं त्याबद्दल मी त्यांना अवगत केलं की या बाबतीमध्ये कोणतीही भीती बाळगण्याचं कारण नाही, कारण कुणालाही कुठल्याही स्वरूपाचं अशा स्वरूपाच्या गोष्टी होत असतील तर या बाबतीमध्ये पुढे येऊन त्यांनी रिपोर्ट केला पाहिजे, जेणेकरून पोलिसांना कारवाई करणं सोयीचं होतं। नमस्ते, मी डॉक्टर स्वप्नील केशवराव शिंदे, शिंदे हॉस्पिटल बोईसर यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। समीर मोरे नामक युवक ने हमारे हॉस्पिटल में आके गाली गलौज किया तथा उसने मेरे को मारा, गुस्से मारे। वो और उसके 6-7 कार्यकर्ता थे साथ में, उन्होंने भी मारा। इसका कारण अलग था, उसका बैकग्राउंड मैं पहले आपको बताऊंगा। कोरोना काल में एक दूसरे अस्पताल में एक पेशेंट सीरियस हुई थी, उस डिलीवरी के बाद उसका ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हुआ था, तो उसमें एम्बुलेंस वो पेशेंट को एम्बुलेंस में डाल के हमने हमारे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया, वेंटिलेटर पे लगाया, उसको ब्लड दिया, जो फटा था वो सिला, सब किया, जान बचाया उसका। और डिस्चार्ज का जब समय था वो टाइम पे ये समीर मोरे हमारे हॉस्पिटल में आया, उसने हमको बोला कि ये पेशेंट के पास पैसे नहीं, इसको छोड़ दो। हमने बोला आपके कहने पर हम क्यों छोड़ेंगे, तो उसने डॉक्टर ने एक डॉक्टर को फोन किया और उन्होंने बोल दिया कि उसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ, आप छोड़ दो। ऐसा करके इसका ना सुनते उनका सुन के हमने उसको छोड़ भी दिया। लेकिन ये आदमी ने बाहर जाके वही पेशेंट का बाहर जाके हमारे हॉस्पिटल का वीडियो बनाया, जबकि बिल हुआ था 16,000। उसने वीडियो बनाया कि शिंदे हॉस्पिटल ने 75,000 का बिल किया एक दिन का और पेशेंट को छोड़ नहीं रहे, और कोरोना काल में लूटमार चालू किया। ऐसा करके उसने पूरा बदनामी का वीडियो हमारा बनाया और वो टाइम पे वायरल किया।
एक तो उसने पैसे भरे नहीं, अभी तक वो 16,000 वो हमको बोल के गया कि मैं भरूंगा, अभी तक भरे नहीं, और ऐसा वीडियो करके उसने पूरा हॉस्पिटल की बदनामी की। हम लोगों को समय नहीं इनके पीछे पड़ने का, ये लोगों का यही काम है। और फिर हर बार वो पेशेंट के लिए फोन करता तो मैं हर बार उसको और पेशेंट को यही चीज की याद दिलाता था कि उसके 16,000 हमारे पास देना बाकी है, और हर बार उसको वो चीज की मिर्ची लगती थी। इस बार भी उसने मेरे को ये पेशेंट के लिए फोन किया, जबकि उसने दुष्प्रचार किया क्या पेशेंट का 1-1.5 लाख बिल हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पेशेंट का पूरा बिल 40,000 हुआ था, उसमें भी 10,000 मैंने खुद में कम किया था, 10,000 फिर उनके गांव के लोग आए उन्होंने रिक्वेस्ट किया तो वो भी कम किया था मैंने, 40,000 से 20,000 ही लिया था मैंने उनका है। लेकिन उसने बदनामी क्या किया कि 1.25-1.5 लाख बिल हो गया करके, ये ऐसे झूठ मूठ बोल के बदनामी करते रहता है हॉस्पिटल की, और लोगों के बीच ये सब बदनामी फैलाते रहते हैं। और पेशेंट को मैंने ये भी बताया कि ऐसे आदमी हमको बोलेंगे तो हम आप क्यों आपको मदद करेंगे जिसने पहले भी हमारी बदनामी की है और हमारे पैसे अभी तक नहीं दिए। स्ट्रिक्ट करना चाहिए, और उनकी ऐसी जो कार्रवाई है, ऐसे जो कर्म है इनके, उनको कहीं ना कहीं लगाम लगाना चाहिए। नहीं तो मैं तो छोड़ दू, इधर की कंपनी भी इनके कारण परेशान है, बाकी डॉक्टर्स भी इनके कारण परेशान है, आम लोग भी इनके कारण परेशान है। और आज वहाँ पे आए तो कुछ दिन में रिजनेबल रहेगा देने का, नहीं रहेगा तो क्या डॉक्टर को मारना, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। बातचीत करने के कायदे से बाबे कायदे से लोकशाही मार्ग ने बोला ऐसा, अगर कोई करने मारेगा तो सेवा हमारा बंद हो जाएगा। हम लोग तो सब डॉक्टर अभी इतने डिस्टर्ब है कि पूरा सब लोग हॉस्पिटल बंद करने का हम लोग प्लान कर रहे हैं। एक बार ऐसा करेगा वापस दूसरी बार आके मतलब गुंडागर्दी, इतना गुंडागर्दी, इतना क्या है, महाराष्ट्र बंद होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, हम तो चाहेंगे कि किसी पे भी मारा तो वो लोग करेंगे, लेकिन हम लोग की सेवा ऐसी है कि भाई किसी को तकलीफ होएगा हम लोग करेंगे, तो दूसरे जो जरूरतमंद है उसको होएगा, जो बीमार रहेगा उसको होएगा, तो हम लोग ठीक है। आजकल यहाँ पे है ना बहुत क्या बोलते हैं, गठ बोलते हैं या फिर संगठना बोलते हैं या ऐसा करके ये लोग है गुंडा राज करते हैं, और वो भी ऐसे हल्का नाम हवलदार का ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा हल्का नाम डॉक्टर का ऐसा समझ रहे हैं कि दिस इज नॉट अलाउड। हम लोग ऐसे संगठित है, लेकिन हम लोग को एक ही है कि दया भावना है, प्रेम भावना है, पेशेंट लोग की सेवा करने की हमारे पास इच्छा है। हमको चाहिए कि कोई हर एक पेशेंट को इलाज मिले, हर एक को मिले। लेकिन क्या है, ये प्राइवेट है, यहाँ पे हर एक चीज़ का खर्चा लगता है, सरकार कोई खर्चा देता है। हम लोग मैक्सिमम टैक्स 33% टैक्स भरने के बाद 100 रुपये लिया रहेगा, 33 रुपये सरकार को टैक्स भरने के बाद, दूसरे सब टैक्स भरने के बाद, सब पेमेंट करने के बाद सबसे स्टैंडर्ड तुमको यहाँ पे ट्रीटमेंट दे रहे। ऐसे गाँवों में आके बड़े बड़े सिटी छोड़ के हमारे सब डॉक्टर लोग आए और गाँव में आके लोगों को सेवा दे रहे, और बाद में हम लोग पे ऐसा गुंडागर्दी करते हैं, ये जरा भी नहीं टॉयलेट करते हैं। तो हम लोग क्या है, आराम से हम लोग बंद कर दिए तो भी खा पी के रह सकते हैं, ऐसे लोग हैं हम लोग। लेकिन हमको ये नहीं चाहिए, हमको आप लोग की सेवा करनी चाहिए। हम लोग को चाहिए कि जो भी गरीब है, जो भी दुखी है या जिसको भी बीमारी है, उसका बीमारी अच्छा होना चाहिए। लेकिन ये इस तरह नहीं टॉयलेट है, और आप जैसे बड़े लोग हैं तो आप लोग ने तो ये देखना चाहिए कि ऐसा समाज में ऐसे दूषित लोगों को तो रखना ही नहीं चाहिए, आपके संगठना भी नहीं रखना चाहिए, ऐसे गुंडे लोगों को वहाँ से उससे भी निकालना चाहिए आगे। और हम लोग तो पुलिस को बताया है जो भी है फैक्ट है, और जो कानून है हम लोग करने वाले वकील से भी बात किया है, लेकिन ये अलाउड नहीं है। आप लोग भी हिंसा, आप लोग भी इतना धर्म का देखते हैं, तुम्हें बड़े एवढा समाजाचं बघता, दिवस रात्र साहेब तुमचं गुंडागर्दी हे दिस इज नॉट अलाउड। आणि हे बोईसरमध्ये तर हा उपद्रव खूप वाढले, हा उपद्रव बोईसरमध्ये आम्ही बघितलं खूप वाढलंय, वारंवार होतं। एखादी गोष्ट पटत नसेल आपल्याला तर सांगण्याचे वेगवेगळे मार्ग आहेत, बोलण्याचे वेगळे मार्ग आहेत, तो मार्ग तुम्ही अवलंबा। काय गुंडाराज एकदा करणार, दुसऱ्यांदा परत चोर बुद्धी सारखं, परत दुसऱ्यांदा अटॅक करणार, हे काही संघटित टोळी युद्ध बोईसरला चालू झालं काय आता? असं झालंय, आपण बोईसरकरांनी दाखवलं हे काही टोळी युद्ध, म्हणजे गँग घेऊन यायचं, हॉस्पिटल फोडायचं, हॉस्पिटल डॉक्टरला मारायला सगळ्या लोकांनी। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।